हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टीडीएल फाइल टैली की काफी एडवांस टीडीएल फाइल है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी सारी आइटम्स और सारी पार्टीज की एक कंसोलिडेट रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कौन सी आइटम किस किस पार्टी को सेल की थी, उसकी क्या क्या क्वांटिटी, क्या उसका एवरेज रेट था और क्या अमाउंट था। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल लोड करके दिखाएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी सारी आइटम्स, सारी पार्टीज की एक कंसोलिडेट रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस कंसोलिडेट रिपोर्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपने किस आइटम को किस किस पार्टी को सेल किया है, उसकी क्या क्या क्वांटिटी और क्या अमाउंट था। तो आइए हम सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है कंसोलिडेट मंथली सेल रिपोर्ट। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। ध्यान रहे, यहाँ से आपको इसको पूरा नाम ही कॉपी करना है, नहीं तो टीडीएल फाइल वर्क नहीं करेगी। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर के अंदर आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर के अंदर आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज लोकल TDL, यहाँ तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते हैं TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर येस कर दीजिए और नीचे सेकेंड ऑप्शन में आपको इस TDL फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए अब गेटअप ऑफ टैली में नीचे की तरफ देखेंगे, हमें एक नया ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है C। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो शो हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड मंथली सेल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ। यहाँ पे आप कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे F2 क्लिक करके आप कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 जनवरी से 31 जनवरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आ रही है हमारी आइटम्स के नेम, यानी जितनी भी आइटम्स है उनके नेम हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद आ रहे पार्टीज नेम, यानी जो हमारा डेल कंप्यूटर है वो हमने किस किस पार्टी को सेल किया है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आर्मेक्स और ट्रेंडरस्टी, ब्लैक कैट, कैपिटल इंजीनियरिंग और शारदा एंटरप्राइजेस। तो ये हमारी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ रही है कि हमारी इस आइटम को हमने इन सब पार्टी को सेल किया हुआ है। और यहाँ पे आगे इसकी क्वांटिटी शो हो रही है कि हमने कितनी कितने पीस इसको सेल किया, उसके आगे उसका एवरेज रेट, नेक्स्ट उसका अमाउंट। तो टैली की काफ़ी यूजफुल TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से हमारी जितनी भी आइटम्स हैं उन सब की हमारे को कंसोलिडेट रिपोर्ट मिल जाती है कि हमने किस आइटम को किस किस पार्टी को सेल किया और उसकी क्या क्या क्वांटिटी और क्या क्या रेट था।